पे हमारी माताएं जी हैं। कहाँ से आए अंकल जी आप? हम सहरसा से आए। सहरसा कहाँ पड़ता है? बिहार में? बिहार में जी। किस उम्मीद से आए बाबा से? बस उम्मीद क्या, बजरंगबली का दर्शन करने आए हैं। अच्छा। जी ऐसा अनुभूति हो रही है जो यहाँ बाबा बजरंगबली के रूप लेकर के ही आ रहे हैं जी। और हम लोगों को पूरा विश्वास है जो हम लोगों को पंचमुखी बजरंगबली से मुलाकात होगी जी। यही अवसर बाबा से हम लोग का दर्शन होगा धीरेन्द्र शास्त्री से। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे शास्त्री जी के बारे में? बस वो तो रूप है, बजरंगबली के रूप है, कलयुग का वो भगवान है। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी की तरह आप लोग बढ़ते रहिए आगे और लोगों के साथ उत्साह बढ़ाते रहिएगा। और दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, जय श्री राम। इस बार बाबा के हम पुत्र हैं, माने कि बोलते हैं तो जय श्री राम, जय सियाराम, जय सीताराम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी उत्साह के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। काफी भक्त जो कि यहाँ पे आ रहे हैं इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का जो कि पंडाल लग चुका है और अभी सुबह का 8 बज रहे हैं और भक्तों का उमड़ जो कि काफी तेज जो कि बढ़ रहा है। लोग अपनी जिज्ञासाओं को लेके आए हुए हैं जो कि बाबा जी के समक्ष रख सके। और दोस्तों आप आगे चल के हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और चलिए राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए बाबा के भक्तों यहाँ पे देखिए एकत्रित हुए हैं और ये व्यू आप लोग देख सकते हैं। जय हर हर महादेव। ये देखिए, देखिए देखिए काफी जो की बाबा लोग ऐसे आए हुए हैं। बेरोजगारी काफी है, क्या क्या बोलिए बाबा जी, क्या बोलना चाहते हैं? बिहार में बेरोजगारी काफी है, इसीलिए हम लोग भगवान में बाबा के शरण में आए, बाबा के शरण में आए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे काफी पब्लिक आएंगे यहाँ पे आज जो कि इस बिहार के पावन धरती पे जो कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी आ रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में कह रहे हैं कि सदबुद्धि दे जी नेता लोग को, हाँ, जो कि बिहार के नेताओं को, बिहार के शिक्षा का रोजगार बढ़े। रोड से हटो और सीधा आओ जल्दी से जी, रोड से ये देखिए